गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सेवन में हम पार्ट चार पढ़ेंगे मौसी। ठीक है, तो पार्ट चार मौसी में ये बताया गया है, इसका सारांश ही थोड़ा सा बता देती हूँ, पाठ परिचय। ठीक है, इसके लेखक हैं श्री भीष्म साहनी जी। ठीक है, तो आम आदमी क्या है, अपने परिवार के लिए और अपने लिए ही थोड़ा मतलब संसार में मतलब सब कुछ करना चाहता है ना, अपने परिवार वालों के लिए जीवित रहते हैं। ठीक है, और अपने घर परिवार के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन इस पाठ में ये बताया गया है कि एक मौसी थी, नाम तो और कुछ रहा होगा, लेकिन सब लोग उनको मौसी कहकर पुकारते थे। तो संसार में ऐसा ही कोई आदमी मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं, गिने चुने में से हजारों में एक। तो संसार में बिरले आदमी ऐसे होते हैं जो जनसाधारण के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, जनसाधारण मतलब जनता के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, दूसरों के लिए अपना जीवन को अर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है, मतलब इस पाठ में यही बताया गया है, इसमें एक कहानी में ऐसे ही एक चरित्र का वर्णन किया गया है ना। मौसी घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बटाती, बच्चों के साथ हंसती बोलती, उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाती थी। बच्चे भी उसे इतना चाहते थे कि उसके आग्रह करने पर भी वे उसे अपने मोहल्ले से कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो इसमें सारांश को थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा पाठ है। तो बच्चे से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी उसे मौसी कहकर पुकारते थे। किसी के यहाँ कोई बीमार हो अथवा शादी हो, मौसी वहाँ सबसे पहले पहुँचती थी, घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बटाती थी। मतलब कोई भी बीमार है या कुछ भी है या किसी को ज़रूरत है और या फिर कोई बुलाने आया तो मौसी वहाँ जाकर मतलब जाती थी और काम में हाथ बटाती थी, मदद करती थी। ठीक है, उसी प्रकार से किसी के घर जैसे शादी है, कुछ भी कार्यक्रम है तो वहाँ पर काम करने के लिए हाथ बटाया करती थी। ठीक है, वह कहाँ से आई थी, वह कौन थी और उनका नाम क्या था, यह कोई नहीं जानता, लेकिन उनको सारे लोग मौसी का घर पुकारते थे। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहाँ थी, मोहल्ले में भी वह कब आई और किसी को पता नहीं था। ठीक है, दोपहर ढले मौसी नीम के चबूतरे पर आ बैठती और बच्चे खेल कूद कर जब थक जाते तो मौसी को लेकर उससे तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, सुंदर बाई की कहानी सुनते थे। वह मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती जिसके प्रत्येक कोने में चना चबाना वह बच्चों को देने के लिए बांधे रहती थी। ठीक है, जो दुपट्टा ओढ़ी रहती थी उसमें हर कोने में कुछ 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 बांधी रहती थी अपनी गठरी में और उसको बच्चों को ही देती थी। ठीक है, और वो बच्चों के लिए ही बांधी रहती थी। एक दिन मौसी स्कूल के गेट पर नहीं दिखी और न ही पेड़ के नीचे दिखी, नीम के पेड़ के नीचे हमेशा बैठा करती थी। लेकिन एक दिन मौसी ना तो गेट पर स्कूल में बच्चों को लेने जाया करती थी, बच्चों को छोड़ने जाया करती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, बच्चों को लेने नहीं गई, ना उनके मम्मी पापा लेने गए। ठीक है, तो बच्चों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बच्चों ने बहुत ढूंढा कि मौसी कहाँ है, कैसे नहीं दिख रही है ना। कुछ दिनों बाद अचानक पुल पर बच्चों को मौसी दिख गई। ठीक है, कुछ दिनों बाद अचानक पुल पर मौसी दिख गई उनको, बच्चों को। ठीक है, बहुत दिनों तक बच्चे ढूंढते रहे उनको, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। तो जो अन्यत्र जाने के लिए तैयार थी, परंतु बच्चों ने उसे मतलब अन्य जगह जाने के लिए तैयार थी। ठीक है, दिख तो गई, कहीं पर दिखी, मतलब पुल पर बैठी थी रोती हुई, तो वो और कहीं जाने के लिए बैठी हुई थी। वो बीमार थी इसलिए उनको किसी के घर में जाकर रुकी थी, तो उन्होंने उनको डांट कर निकाल दिया। तो मौसी ने क्या किया, पुल के पास ऊपर में जाकर बैठी थी, तो बच्चे लोग खेलते कूदते या स्कूल से कहीं से आते हुए मौसी को देख लिए। ठीक है, और वो अन्य कहीं जगह जाने के लिए बैठी हुई थी, स्कूल में बैठी थी, तो परंतु बच्चों ने उसे रोक लिया। ठीक है, बच्चों ने रोक लिया और मौसी बीमार थी, मौसी का इलाज कराया, फिर मौसी को रोक कर मौसी बहुत प्रार्थना करने के बाद मौसी वहाँ रुक गई बच्चों के कहने से, बच्चों के प्यार को देख कर। फिर बच्चों ने उनको अपने अपने घर से कुछ कुछ सामानों का मदद करके, खाट का, दवाई का और मच्छरदानी का, डॉक्टर की व्यवस्था करके मौसी को ठीक ठाक किया। फिर मौसी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मौसी को उसी गांव में रोक लिए, नहीं तो मौसी और कहीं जाना चाह रही थी। और फिर उसके बाद बच्चों के स्कूल में ही उनको पानी पिलाने के लिए नौकरी मिल गई। ठीक है, मौसी अब भी स्कूल में ही कोठरी में रहती है, बच्चों को पानी पिलाने का काम करती है। और मौसी का तो घर द्वार नहीं था, तो उन्होंने स्कूल के हेडमास्टर ने उनको घर दिया, रहने के लिए एक ठो रूम दिया और नौकरी भी दी। अब
कहते हैं कि मौसी आज भी वहाँ बच्चों को पानी पिलाती है, और गर्मी में पानी पिलाती है, बाकी दिन में स्कूल में ही रहती है, कुछ कुछ मदद करती है। पर आज अब वह बहुत बूढ़ी हो गई है, कभी कभी लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर लगा लेती है, तो सभी घरों में झांक झांक कर कुशल क्षेम पूछ लेती है, मतलब कुशलता के बारे में पूछ लेती है। फिर सांझ ढले अपने स्कूल की कोठरी में फिर लौट आती है। ठीक है, कहते हैं मौसी आज भी जिंदा है और बूढ़ी हो चुकी है। ठीक है, तो ये पाठ में यही बस बताया गया है, मौसी दूसरों के लिए ही जिंदा है, उनके कोई अपने नाते रिश्तेदार घर वाले कोई नहीं है, और कहाँ से आई, कैसी है, कहाँ की रहने वाली है, कौन उनके बेटा बेटी है, पूछने पर कहती थी कि बच्चों को इशारा करती है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी, ठीक है, और आपका नाम क्या है, कहने पर वो कहती थी मौसी मेरा नाम है। ठीक है, यही बस इस पार्ट में बताया गया है, और दूसरों के लिए ही काम कर रही है और दूसरों के लिए ही जिंदा है, बस यही इस पार्ट का सारांश है। ठीक है, ओके, थैंक यू।